हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, आप लोगों के लिए लेकर आए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसमें हम 10 क्वेश्चन डील करने वाले हैं जो कि फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो टोटल कुल मिला के हम लोग 60 से 70 क्वेश्चन अपने चैनल पर शॉर्ट क्वेश्चन देने वाले हैं, जिसमें कि आपको 100% है 15 क्वेश्चन उसमें आएगा तो आएगा। सिर्फ आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरे साथ बने रहिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, बिना टाइम गवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, विद्युतीय क्षेत्र रेखा को परिभाषित करें। तो देखिए, कितना सिंपल वे में आपको लिखा है कि एक बार अगर ध्यान से पढ़िएगा तो याद ही हो जाएगा, रटने का कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे नहीं है, समझ गए दोस्तों। तो देखिए क्या है, पूरा सिंपल भाषा में लिखें, किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र होता है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। तो कोई भी एक आवेश है, इसके चारों क्षेत्र काल्पनिक होता है, और यहाँ पर कोई भी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो बस इसकी दिशा को ही दर्शाएगा, समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, आवेश के गुण, यानी आवेश क्या होता है, आवेश का गुण यहाँ पर पूछ रहा है। तो आवेश के गुण निम्नलिखित हैं, तो कौन कौन सा गुण है देख लेते हैं हम लोग। तो नंबर एक है, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हैं। तो आप लोग भी देखे होंगे कि कहीं पे प्लस क्यों लिखा जाता है और माइनस क्यों भी, सॉरी माइनस क्यों भी हम लोग लिखते हैं, यानी आवेश क्या होता है, प्लस माइनस दोनों होता है, समझ गए। तो पहला ये, दूसरा गुण क्या है, आवेश एक अदिश राशि है। तो पता है आप लोगों के दोस्तों, इसमें ना ही कोई परिमाण होती है और ना ही कोई दिशा होती है, जिधर आप चाहिए उधर आवेश प्रवाहित कर सकते हैं, और इसमें ना ही कोई परिमाण नहीं होती है, तो जिसके कारण इसको अदिश राशि में रखा गया है। नेक्स्ट क्या है, आवेश संरक्षित होता है। तो आवेश संरक्षित होता है, आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये आपने पढ़ा भी होगा इस सिद्धांत। तो सिर्फ इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं आवेश संरक्षित होता है। आवेश का परिमाण जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है, यानी कितना स्पीड से चल रहा है उस पर निर्भर करता है परिमाण इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट आया क्वेश्चन है 3 नंबर, आवेश का पृष्ठीय घनत्व को परिभाषित करें। तो देखिए, ये भी पूरा सिंपल वे में दिए है, अगर ध्यान से एक बार पढ़िएगा तो आपको याद ही हो जाएगा, रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, समझिए दोस्तों। तो देखिए क्या लिखा हुआ, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है, यानी कोई भी मान लीजिए ये क्षेत्रफल है, इसके किसी भी एकांक मतलब एक जगह पर आवेश का परिमाण के पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है, यानी इस बस प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी प्रति क्षेत्रफल में कितना आवेश है उसी को कलेक्ट करने करेंगे तो हम पृष्ठीय घनत्व उसको कहते हैं, यानी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का जो कलेक्ट करते हैं तो उसी को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, समझ गए। देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ, प्रति एकांक मतलब बटा होता है, और आवेश तो क्या हो जाएगा, क्यों बटे ए, जहाँ क्यों आवेश है ये क्षेत्रफल है। तो देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कूलम्बिक बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है। तो चलिए इसका देखिए, देख लेते हैं क्या सटीक आंसर दिया हुआ है। दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलम्बिक बल, सॉरी ये छोटा हुआ है, कूलम्बिक बल होगा, ठीक है। कूलम्बिक बल की दिशा दोनों आवेश के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की ओर होता है, इसीलिए कूलम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या है, कूलम्बिक बल जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों आवेशों के केंद्र की मिलाने वाली रेखा की ओर होती है, यानी केंद्र की ओर जो मिल रही है रेखा उसी की ओर होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, केंद्रीय बल भी कहा जाता है कूलम्बिक बल को, समझ गए। क्योंकि इसके केंद्र, इसका जो दिशा होती है, दोनों आवेश होता है उसके केंद्र की ओर होती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, कूलम्बिक बल को केंद्रीय बल भी कहा जाया गया है। तो देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपका क्या दिया हुआ, आवेशों का आयतन घनत्व में, वहाँ क्या पूछ रहा था पृष्ठीय घनत्व, अब बोल रहा है आयतन घनत्व को परिभाषित करें। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, प्रति एकांक आयतन में, यानी प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण, वहाँ क्या था, प्रति एकांक पृष्ठ में आवेश का आयतन मतलब आवेश का परिमाण को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रति एकांक आयतन में। तो आयतन कैसे बनाएंगे, क्यों जिसको बोलते हैं, देखिए ये हो गया, यानी इसमें क्या हो जाएगा, प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है, यानी मान लीजिए कुछ भी, कोई भी एक घनावाकार कोई बर्तन है, ठीक है, या कुछ भी घनावाकार वस्तु है जैसे यही है, तो इसके प्रत्येक प्रत्येक एकांक में कितना आवेश उपस्थित है उसी को क्या कहेंगे, आवेश का आयतन का आयतन घनत्व उसको बोलेंगे, समझ गए। इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, रो बराबर क्यू बटे वी, वहाँ क्या था, उसका सरफेस था, क्षेत्रफल था, तो इसलिए वहाँ ए दिया गया था, यहाँ क्या है क्यू बटे वी है, जहाँ भी आयतन है क्यों आवेश है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्या है आपका, 6 नंबर है, विद्युत क्षेत्र क्या है। देखिए बहुत ही
इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बहुत ही इजी भी सवाल है। विद्युत क्षेत्र क्या है? तो किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। देखिए ये कुछ बहुत ही सिंपल है, मान लीजिए कोई भी यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ है तो ये तो अपना कुछ भी प्रभाव ये तो अपना स्थापित करेगा, ये कुछ भी आवेश तो यहाँ पर कुछ भी दूसरा आवेश लाएंगे यहाँ पर। तो अगर अगर यहाँ प्लस आवेश लाते हैं, अगर ये भी प्लस होगा तो जरूर ये दोनों क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी दोनों दूर दूर करेगा। अगर यह मान लीजिए पहले ऐसे प्लस है आवेश और इसका क्षेत्र काल्पनिक क्षेत्र कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर माइनस लाएंगे तो ये क्या करेगा, दोनों आकर्षित करेगा, तो हम समझ लेंगे कि हाँ इसका क्षेत्र है, समझ गए। तो इसको क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। जहाँ तक का जैसे आवेश रखा हुआ, जहाँ तक का इसका प्रभाव, अब मान लीजिए यहाँ पर रखेंगे, यहाँ तक इसका क्षेत्र है और यहाँ पर रखेंगे प्लस आवेश, यहाँ पर इसका कोई प्रभाव नहीं आएगा, तो क्या बोल देंगे, यहाँ पर इसका क्षेत्र नहीं है, जहाँ तक प्रभाव आएगा वहाँ तक उसका क्षेत्र कहलाएगा, समझ गए। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज किसको बोलते हैं? तो इसका देखिए सिंपल भाषा में दिया हुआ है, परीक्षण आवेश बहुत ही छोटे होते हैं, या इतना छोटा होता है कि यदि इसे किसी विद्युतीय क्षेत्र के पास लाया जाता है तो विद्युतीय क्षेत्र का परिमाप तथा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे धनात्मक परिपाटी भी कहते हैं। तो मान लीजिए इतना परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं, इतना छोटा होता है कि ये मान लीजिए ये एक प्लस एक क्यों है, और ये इतना छोटा है कि होता है 0.000, मान लीजिए इतना छोटा होता है, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसे कि एक समुद्र में अगर एक बूंद पानी निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार से ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं, कि उस दूसरे आवेश के पास ले जाने के बाद को उसमें कोई इफेक्ट प्रदान नहीं करते हैं लोग देने वाले हैं। इसी साठों में इस क्वेश्चन आपका 15% 100% रहेगा, समझ गए। तो बस आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि हम लोग मेरे साथ बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले जल्द ही अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।